नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को बड़ी सौगातें आज देने वाले हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। मिशन 80 के मद्देनजर आज बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक सुबह 11 बजे होनी है और राम मंदिर में लगातार राम भक्त पहुंच रहे हैं। 4 दिन में करीब करीब 7 से 8 करोड़ का चढ़ावा आ चुका है। आज की ये बड़ी खबरें हैं जिन पर न्यूज 18 की दिन भर नजर रहेगी। के कालकाजी मंदिर में हादसा हुआ है। भजन संध्या के दौरान मंच का एक हिस्सा गिर गया और रात में 12:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। सिंगर बी पराग शो में ये भीड़ उमड़ी हुई थी और मंच का एक हिस्सा गिर गया। तो दिल्ली की ये खबर जहां पर भजन संध्या चल रही थी, बी पराग पहुंचा हुआ था सिंगर और मंच का एक हिस्सा गिर गया जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में यह हादसा हुआ है। घायल हुए हैं, एक महिला की मौत हो गई है और किस तरह की भगदड़ यहां पर मची हुई दिखाई दी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। बहुत ही दुखी हूँ, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ और अपनी जहां पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ने वहां पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का मां के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहां पर हादसे के बाद भगदड़ मची हुई दिखाई दी। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में यह हादसा हुआ है। तो ये शो के दौरान की, भजन संध्या के दौरान की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे मंच का एक हिस्सा गिर जाता है, भगदड़ मच जाती है, 17 लोग घायल भी हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो सिंगर बी पराग यहां पर पहुंचा हुआ था और भजन संध्या चल रही थी लेकिन अचानक से हादसा हुआ। तो मंच का एक हिस्सा गिरा है जिसकी तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं।